alaikum. So this part mein I'll tell you about the ATTICOANTRAL type of chronic suppurative otitis media, jiska ek general overview mein aapko de chuki thi ke hamare paas ATTICOANTRAL hum usko kehte hain jisme basically hamare paas kahan par masla aata hai, attic and antrum wale area mein. Like agar ye middle ear puri cavity hai hamari, to ye jo iski postero superior wall hai, ye this is the posterior wall and this is particularly the postero superior wall, jahan par aapka upar wale area ko hum attic kehte hain, yahan se arrhythmias leads towards the antrum which is the mastoid area सारा. तो जहाँ पर अगर infection जो है वो इस सारे area में होता है जो कि यकीनी तौर पर towards the antrum और mastoid area cells फैलेगा, तो उसको हम कहते हैं कि this is the ATTICOANTRAL type of the chronic suppurative otitis media, जिसमें हमारे पास perforation हमेशा marginal होती है. किसकी perforation? Tympanic membrane की. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास ATTICOANTRAL type जो इसमें है, आपने चार बातें ना लाजमी याद रखनी. अगर ये चार बातें प्रेजेंट होंगी तो आप आराम से डिटेक्ट कर लेंगे कि दिस इज द ATTICOANTRAL type. ये आपसे वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कौन सी मेन पॉइंट्स हैं ATTICOANTRAL type के डायग्नोस्टिक या करेक्टरिस्टिक फीचर्स. तो सबसे पहले परसिस्टेंट डिस्चार्ज. इसमें डिस्चार्ज ऐसा नहीं होगा, उसमें हमारे पास जो ट्यूबर टाइपैनिक में डिस्चार्ज होता है वो परसिस्टेंट भी हो सकता है और इंटरमिटेंट भी हो सकता है, लेकिन इसमें मुसलसल डिस्चार्ज होगा. दूसरी, डेफनेस, बिकॉज इसमें प्रेजेंट होता है कोलेस्टेटोमा. कोलेस्टेटोमा प्रेशर और हार्मोन और एंजाइम्स रिलीज करने की वजह से नेक्रोसिस कर चुका होता है अंदर के सारे एरिया का बहुत हद तक, जिसकी वजह से पेशेंट को शदीद डेफनेस होती है, उसे बहुत कम सुनाई देता है. वेर आई टोल्ड यू के जो परफोरेशन होगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वो हमेशा मार्जिनल परफोरेशन होगी. ठीक है जी. और आखिर में कोलेस्टेटोमा. कोलेस्टेटोमा को मैं पूरी बहुत डिटेल में और अच्छे तरीके से वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप वो लाजमी देख लें, मैं अब दोबारा नहीं करूँगी यहाँ पे बिकॉज टाइम नहीं है. ठीक है जी. अच्छा, फिर हमारे पास हम आते हैं अगर कि इसकी कॉज क्या है. तो कॉजेज ATTICOANTRAL टाइप ऑफ डिजीज़ की जो है ना हमारे पास होती क्यों है, वो वही है जो कोलेस्टेटोमा के बनने की कॉजेज हैं. जब मैंने आपको बताया था कि कोलेस्टेटोमा बनता है बिकॉज जो हमारा एटिक का, अगर एटिक के एरिया में मिडल ईयर कैविटी में नेगेटिव प्रेशर है, तो उसकी वजह से जो इन पार्स फ्लेसिडा हमारे पास होते हैं ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वो पोर्शन जो एटिक के आगे आ रहा होता है, ठीक है, तो वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता है और उसकी वजह से एक पॉकेट सी बन जाती है जिसमें केराटिन डिपोजिशन हो जाती है एंड देन इट लीड्स टू कोलेस्टेटोमा फॉर्मेशन. तो ये सारी बातें कोलेस्टेटोमा में बता चुकी हूँ, तो आपने उसके कॉजेज जो है वो सेम ATTICOANTRAL कॉजेज हैं, तो काइंडली आप वो देख लीजिए वरना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा दोबारा. ठीक है, आगे चलते हैं. मेन बातें तो आपको पता चल गई ना कि मसला क्या होगा, कि पोस्टर सुपीरियर एरिया में मसला होगा और मार्जिनल परफोरेशन होगी. पैथोलॉजी क्या है? सबसे पहले तो जो है वो बनेगा एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और नेगेटिव प्रेशर. सबसे पहले तो आपकी इमेजिनेशन हो जाएगी आपकी, या तो पार्स फ्लेसिडा की, या फिर हमारी जो परफोरेशन थी उससे हमारा जो बाहर से अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और यहाँ पर परफोरेशन हुई हुई है मार्जिनल परफोरेशन, तो जो बाहर वाला हमारा स्क्वेमस एपिथीलियम है वो ट्रेवल करके अंदर आ गया और अंदर भी उसने मिडिल ईयर क्लेफ्ट की एक पॉकेट सी बना दी, जिस जो स्क्वेमस एपिथीलियम से लाइंड है और उसके अंदर केराटिन डेब्रिस भी प्रेजेंट है, तो एक कोलेस्टेटोमा बन गया. सबसे पहला तो काम ये होगा. अब कोलेस्टेटोमा मैंने आपको बताया था कि उसमें से तीन थ्योरीज है, हार्मोन भी रिलीज हो सकते हैं, एंजाइम्स भी रिलीज हो सकते हैं, प्रेशर भी डालता है और वो ग्रो करता है और वो आसपास की सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखता है. तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑस्टियाइटिस, बोन्स की इन्फ्लेमेशन, ऑस्टियाइटिस एंड एज अ रिजल्ट ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन. ग्रेनुलेशन टिश्यू आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में जब इन्फ्लेमेशन इतनी बड़ी होती है कि सेल्स उसको इसी तरह इनगल्फ नहीं कर पाते, तो फिर वो उसके अराउंड एक एरिया ऑफ डिफेंस बना लेते हैं. ठीक है, वो एरिया ऑफ डिफेंस बेसिकली इसलिए होता है कि वो किसी तरह उस इन्फ्लेमेशन को अपने अंदर काबू कर लें, तो वो ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाते हैं. ठीक है, दिस इज़ बिकॉज उसमें आपको ग्रेनुलेशन टिश्यू में ना सारे डेब्रिस ऑफ द नेक्रोस्ड सेल मिलेंगे, आपको लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और जितनी वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है वो सारे मिलते हैं. तो आपको ये जो क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जो ATTICOANTRAL टाइप है, बिकॉज ये लॉन्ग स्टैंडिंग है और ये फैल रहा है मुसलसल, तो इसमें आपको ऑस्टियाइटिस एंड ग्रेनुलेशन टिश्यू जगह जगह डिपॉजिटेड मिलेगा. फिर ऑस्टिकुलर नेक्रोसिस, आई टोल्ड यू अगेन कि इसमें जाहिर सी बात है अपना जो बोन्स हैं वो प्रेशर की वजह से, बिकॉज कोलेस्टेटोमा है जो मुसलसल प्रेशर डाल रहे, तो उनका नेक्रोसिस हो जाता है बहुत कॉमनली. अब ऑस्टिकुलर नेक्रोसिस होगा तो सबसे हेयरिंग लॉस डेफिनेट सी बात है कि होना चाहिए. ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सपोज मेरे पास ना जनरल एक बात है, ये मेलियस है और यहाँ पर इससे आगे ये जुड़ी हुई थी इनकस. ठीक है, हुआ क्या कि ये वाला एरिया हो गया नेक्रोस, यूँ बनगी ना इसके रिजल्ट में, सॉरी मेलियस इतनी रहेगी, इनकस इतनी रहेगी, दरमियान वाला एरिया नेक्रोसिस हो गया. ठीक है, तो हेयरिंग लॉस नॉर्मली होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्या होगा कि हमारे पास कोलेस्टेटोमा भी इसी एरिया में बना हुआ है. जाहिर सी बात है मिडल ईयर की कैविटी कितनी सी है, उसमें कोलेस्टेटोमा बना हुआ है. कोलेस्टेटोमा ने आके किसी ऐसी पोजिशन में वो था कि इन दोनों के दरमियान में ऐसे एक ब्रिज क्रिएट कर दिया. अब जब कोलेस्टेटोमा ने दो नेक्रोस्ड बोन के दरमियान में एक ब्रिज क्रिएट कर दिया, तो एक हल्का सा रास्ता तो बन गया ना फॉर द ट्रेवल,
तो होता क्या है कि ऐसे पेशेंट को बेहतर सुनाई देता है, हालांकि अंदर मसला बड़ा हुआ हुआ होता है, ठीक है। सुनाई बेहतर इसलिए दे रहे हैं बिकॉज कोलेस्टोटोमा ने एक ब्रिज बना दी है बिटवीन टू नेक्रोस बोन्स, तो वो हमें ऐसा लग रहा होता है देखने में कि पेशेंट को सुनाई तो किसी हद तक दे रहे हैं, मतलब ये कि शायद मसला ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अंदर मसला बहुत बड़ा होता है। सिर्फ कोलेस्टोटोमा जो है उसने ब्रिज की वजह से जो सुनने वाली एबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कोलेस्टोटोमा हियरर, कोलेस्टोटोमा की वजह से सुनाई देना। ये आपका वाइवा का इंपॉर्टेंट तरीन सवाल आ गया और एमसीक्यू भी, कोलेस्ट्रोटोमा हेयर है, ठीक है जी। तो ऑसिकुलर नेक्रोसिस मैंने बता दिया, और आखिरी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल ग्रेनुलोमा। अब जाहिर सी बात है क्या होता है कि एक जगह जहाँ पर ग्रेनुलेशन टिश्यू बनती है उसके अगेंस्ट फॉरन बॉडी जॉइंट सेल्स आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन शुरू हो जाती है, तो उसको हम कोलेस्ट्रॉल ग्रेनुलोमा कहते हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम इसके सिम्टम्स पे। सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट करेगा ईयर डिस्चार्ज के साथ। याद रखने वाली बात क्या है कि ईयर डिस्चार्ज हमेशा फाउल स्मेलिंग होगा, शदीद फाउल स्मेलिंग, और फिर आपसे वाइवा में पूछते हैं फाउल स्मेलिंग क्यों होगा, बिकॉज ऑफ बोन नेक्रोसिस। बोन्स जब भी जलती हैं, अगर आप कभी बोन को देखें कि बर्न के पेशेंट्स में कितनी स्मेल होती है, बिकॉज ऑफ जलने की ना, या किसी चीज़ के नेक्रोसिस की वजह से स्मेल प्रोड्यूस होती है, तो बोन का नेक्रोसिस हो रहा है जिसकी वजह से फाउल स्मेलिंग एयर डिस्चार्ज आते हैं सिर्फ एटिकोएंट्रल के पेशेंट्स में, ठीक है। उसके बाद आपके पास इधर जो हेयरिंग लॉस होगा, हेयरिंग लॉस मेनली बिकॉज मसला कंडक्टिव मिडल ईयर तक रिलेटेड है, तो होगा यकीनी तौर पे कंडक्टिव, लेकिन अगर वही बात है कि इन्फेक्शन इतना बढ़ जाए कि राउंड विंडो और ओवल विंडो से किसी हद तक कॉकलिया भी इन्फेक्ट हो जाए, तो मिक्स टाइप ऑफ भी हो सकता है, सेंसरी न्यूलर एनवेंट इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन कंडक्टिव तो लाजमी होगा, ठीक है। फिर अगर ऐसा हुआ है कि कोई पोलिप बना है, वही बात है कि वही आपका पता है कि मिडल ईयर में कोई ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई रेड एडिमेटस सा पोलिप बन गए, तो पोलिप की फॉर्मेशन के रिजल्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मुसलसल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपने उस पोलिप को निकालने की एवल्स करने की कोशिश की है, तो उसके रिजल्ट पे ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ब्लीडिंग नहीं होती। फिर आपको परफोरेशन मैंने आपको बता दी मार्जिनल होगी, इसमें तो और कोई बात नहीं है। कभी कभार ना परफोरेशन मिस भी हो जाती है बिकॉज एटिक के एरिया में छोटी परफोरेशन होती है, और वो डिस्चार्ज से इतनी ज़्यादा क्रस्टी सी हुई होती है, मतलब उस पर डिस्चार्ज जम चुका होता है कि वो नज़र नहीं आ पाती, तो इसलिए आपने ध्यान से देखना है। फिर हमारे पास रिट्रैक्शन पॉकेट जो बनेगी, यानी मिडल ईयर कितने किस हद तक अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा, अब ये बात जो है ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फिर हमने चार स्टेजेस बनाई हैं। अगर मिडल ईयर जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट थी, ये नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और ये हमारी मिडल ईयर कैविटी, ठीक है। अगर वो इतनी अंदर की तरफ मुड़ी हुई है कि हाली वो अंदर की तरफ आई है और किसी भी स्ट्रक्चर को उसने कांटेक्ट नहीं किया, लाइक वो इनकस वगैरह को उसने अपने अंदर लपेट में नहीं लिया, तो हम उसे स्टेज वन कहेंगे कि स्टेज वन रिट्रैक्शन पॉकेट बनी हुई है। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इतनी अंदर की तरफ बल्ज हुई है कि इनकस को कांटेक्ट कर चुकी है वो, ठीक है जी, इनकस तक आ गई है यानी वहाँ तक पहुँच गई है, तो उसे हम कहेंगे रिट्रैक्शन पॉकेट स्टेज टू में है। अगर वो इतनी ज़्यादा अंदर की तरफ आई हुई है कि उसने इवन यहाँ पर आपको होता है ना जो जो वॉल होती है विच इज़ द मिड मीडियल वॉल, वहाँ होती है प्रोमोन्ट्री, अगर इतनी ज़्यादा अंदर आई हुई है कि वो प्रोमोन्ट्री तक पहुँच गई है हमारी, ठीक है, यानी कि उसने बाकी सारे स्ट्रक्चर्स को भी अपने अंदर लिया हुआ है, जाहिर है बीच में बोन्स आती हैं वो भी इसके अंदर है और प्रोमोन्ट्री तक पहुँच गई है, तो ये स्टेज थ्री होती है जिसे हम कहते हैं मिडल ईयर एटीलेक्टेसिस। एटीलेक्टेसिस जब आपने लंग्स में भी पढ़ा था तो भी आपने पढ़ा था कि लंग्स कोलैप्स कर गए, तो इस कंडीशन में बेसिकली मिडल ईयर कैविटी कोलैप्स कर चुकी होती है, ठीक है जी। अच्छा, स्टेज फोर वो है जिसमें हमारे पास मिडल ईयर कैविटी ना सिर्फ सारी की सारी अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड होती है, बल्कि हर स्ट्रक्चर मिडल ईयर कैविटी के अंदर रैप आउट हो चुका होता है, और क्योंकि थर्ड स्टेज में ना याद रखना थोड़ा बहुत बचत हुई भी होती है, लेकिन फोर्थ में हर स्ट्रक्चर रैप हुआ है अंदर की तरफ और मतलब सब कुछ एडहेसिव है, तो इसीलिए स्टेज को हम कहते हैं एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। ये एटीलेक्टेटिक था जिसमें एटीलेक्टेसिस यानी कंप्रेशन सी हुई है, और ये एडहेसिव है, हर चीज़ एडहेस होगी, तो ये मोस्ट सिवियर होती है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। तो ये होगी हमारे पास इसके जो सिम्टम्स होंगे जो आपने देखने हैं। फिर हम असेसमेंट कैसे करेंगे, अगली बात पे आ जाते हैं। असेसमेंट सबसे पहले अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, सब कुछ ये देखनी है, परफोरेशन, ग्रेनुलेशन टिश्यू, कोलेस्टोटोमा, हर चीज़ को अच्छे से एग्जामिन करना है। आपने ऑडियोग्राम और ट्यूनिंग फोक टेस्ट करने हैं, कंडक्टिव लॉस या मिक्स्ड लॉस मिलेगा, एक्सरे, मेस्ट्रॉइड और सीटी स्कैन कराना है, बिकॉज कोलेस्टोटोमा था, कोलेस्टोटोमा ने हो सकता है बोन्स को किस हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया, एक्सरे सीटी स्कैन लाजमी है इसमें, बिकॉज इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस अलग से पढ़ाऊंगी। कल्चर सेंसिटिविटी डिस्चार्ज की कराएंगे तो सीधा एंटीबायोटिक कौन सी दें। आखिर में ट्रीटमेंट इसकी सर्जिकली होती है, बिकॉज कोलेस्टोटोमा रिमूव इस तरह नहीं होता, मेडिकली कंजर्वेटिवली बहुत मुश्किल होता है। सर्जिकल में दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, एक केनाल वॉल अप, एक केनाल वॉल डाउन।
कैनाल वॉल अपर कैनाल, ये बेसिकली लंबी बातें हैं दोनों की दोनों, मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन बाद में कर दूंगी। मोटा मोटा इसमें ये होता है कि अगर कैनाल वॉल अप प्रोसीजर है तो इसमें हमने क्या करना है, ये वही मेरी मिडल ईयर कैविटी है ना, ठीक है। सी ये मिडल ईयर कैविटी है, यहाँ पर मसला है, ठीक है। अगर कोई ऐसा तरीका हम करें, यानी हम पीछे मेस्ट्रॉइड के एरिया से अप्रोच करें और हम आकर इस सारी वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर दें, यानी इसको सारी को डाउन कर दें और फेशियल नर्व को मतलब बचा कर फेशियल नर्व को नीचे कर दें और हम मेस्ट्रॉइड के एरिया से यानी स्किन से आएँ, मेस्ट्रॉइड एरिया से आके हम इस कैविटी में घुस जाएँ और इन दोनों को हम मेस्ट्रॉइड को और मिडल ईयर को कंटिन्यूस बना दें और यहाँ सारी सफाई कर दें, तो वो कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर होती है कि हमने ये वॉल डाउन कर दी। दूसरा प्रोसीजर ये होता है कि हम पीछे जो मिडल मेस्ट्रॉइड में मसला है उसको हम थ्रू स्किन हल करें और जो मिडल ईयर कैविटी में मसला है उसको हल करने के लिए हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से जाएं, लाइक दो अलग अलग जगहों से हम अप्रोच करके दोनों मसलों को हल करें और इस वॉल को हम कुछ ना करें। तो ये होता है कैनाल वॉल अप प्रोसीजर, और इसमें फिर मेस्ट्रोडेक्टमीज आती हैं जो मैं आपको अलग से डिटेल में बताऊँगी। दिस इज ऑल अबाउट इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।